अभी कबीर पारस संस्थान के अध्यक्ष श्री गुरुभूषण साहब जी मौनी अमावस्या के संबंध में और चित्त की निर्मलता के संबंध में बहुत सुंदर विचार दे रहे थे, जो विचार हर आदमी के लिए आवश्यक है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, उनके रंग में, रूप में, वेशभूषा में, उपासना पद्धति में, मान ग्रंथों में, रीत रिवाजों में, भाषाओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, वहाँ तक हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। सभी मनुष्यों की मांग एक है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, चिरस्थायी शांति की प्राप्ति, इस सब के हृदय की मांग। और भी स्थूल रूप में देखें तो भी सबकी मांग एक है। किसी भी आदमी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ रहना, संपन्न रहना, स्वतंत्रता की मांग, जो हृदय की मांग है वो सबकी एक है। समझ में केवल अंतर है, इसलिए क्रियाकलाप में अंतर हो जाता है। भीतर की समझ ठीक हो जाए तो हर आदमी सही जीवन जी सकता है। आज शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आज प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है। कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, आसन, प्राणायाम करने से हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी होती है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न कर रहा है। प्रश्न न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो जिज्ञासा होती है उसका बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। सत्संग से मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक होती है। आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, शारीरिक स्थिति अच्छी हो, मानसिक स्थिति भर अच्छी न हो तो कोई भी आदमी सज्जन नहीं हो सकता, कोई भी आदमी धर्मात्मा नहीं हो सकता, कोई भी आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी न हो तो। आज लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, फिर भी वो भीतर से दुखी है। क्या कारण है? जमाना कारण है कि ग्रह नक्षत्र कारण है कि और कुछ कारण है? कारण पर ठीक से चिंतन होना चाहिए। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारण का हमें ठीक से अनुसंधान करना चाहिए। संप्रदाय निरपेक्ष होकर के हमें चिंतन करना चाहिए कि इतनी संपन्नता के बावजूद भी आज आदमी भीतर से दुखी क्यों है। संपन्नता में लें तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन देशों का नाम आता है। भारत में भी बहुत से संपन्न लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है किंतु दुखी।
कारण क्या है? एक शायर ने दो पंक्ति में कहा, बहुत उपयुक्त कहा। उसने कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, गोल्डन सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट। उसके पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। इस कारण से आदमी न खाने योग्य चीजों को खा रहा है, न पीने योग्य चीजों को पी रहा है, न करने योग्य कर्मों को कर रहा है। केवल उसका माइंड अपसेट है और कुछ दूसरा कारण नहीं। इसलिए सत्संग सर्वाधिक आवश्यक है। जैसे भोजन शरीर के लिए, सबके लिए आवश्यक है, इसी प्रकार से सत्संग सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको उसका माइंड सेट हो। सत्संग के अभाव में आज आप देख रहे हैं, जब माइंड बिगड़ा हुआ है इस वैज्ञानिक युग में। इसके बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने लिखा था, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज इस भौतिक युग में बहुत विकास होने के बावजूद भी आज नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है और भ्रष्टा आहार बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज का आदमी कहता है, संडे हो या मंडे रोज खाऊंगा। अहो हाय, दुनिया किधर जा रही है, पानी छान कर पीने वाली जनता आज अंडा खा रही है। केवल उसका माइंड बिगड़ा हुआ है। माइंड सेट हो जाए तो अभक्ष पदार्थों से दूर हो सकता है। बलात्कार, अपहरण, आतंकवाद, जो समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं का सही समाधान तभी होगा जब राष्ट्र में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति ठीक होगी, माइंड सेट होगा, इसके पहले नहीं। हम संविधान, नेतागण संविधान बनाते हैं, पुलिस कर्मचारी चोरों को पकड़ते, न्यायाधीश महोदय दंड सुनाते, किंतु जिस खराबी के कारण से व्यक्ति चोरी करता है, न उसे पुलिस वाले मिटा सकते हैं, न न्यायाधीश महोदय मिटा सकते हैं, न संविधान बनाने वाले लोग उसको मिटा सकते हैं। उसको जेल के अंदर बंद कर सकते हैं, फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी गलत कर्म करता है उसको ये कोई दूर नहीं कर सकते। अगर वो दूर होता है तो सत्संग के माध्यम से जब उनके आंतरिक जगत में परिवर्तन हो जाता है, उनकी मान्यताओं में परिवर्तन हो जाता है, भीतर परिवर्तन हो जाता है, तब व्यक्ति बाहर रहता है, किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं करता है, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे दुकान में रहे, चाहे जहां रहे, व्यसन मुक्त होगा, विकारों से मुक्त होगा, मानवोचित सुंदर कर्म करेगा, तब जब उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होगा, तब मानसिक स्थिति में परिवर्तन सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए सत्संग हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, इसी प्रकार से मस्तिष्क के लिए सत्संग आवश्यक है। आज विचारों की कटुता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, मिलना नहीं चाहता है। क्या वो किसी से मिलता नहीं है? मिलता है, देखता है, बात करता, किंतु भाई से नहीं मिलना चाहता। आज विचारों की कटुता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि राम कहने वाला अल्लाह नहीं कह सकता है, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कह सकता। विचारों की कटुता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मंदिर वाले मस्जिद को नहीं देखना चाहते, मस्जिद वाले मंदिर को नहीं देखना चाहते हैं। ये केवल माइंड की खराबी है। मंदिर रहे, मस्जिद रहे, गिरजाघर रहे, गुरुद्वारा रहे, अपने अपने विश्वास के अनुसार सभी लोग जाकर इबादत करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, किंतु मूल में देखें कि मूल में आदमी है। अगर आदमी नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं होता। और आदमी ही बनाता है, आदमी ही अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, जानवरों की इनकी कोई जरूरत ही नहीं। अगर धरती से आदमी विदा हो जाए तो राम और अल्लाह, मंदिर और मस्जिद, ये सब अपने आप विदा हो जाए।
आदमी के साथ सुंदर व्यवहार होना चाहिए। सबके मूल में आदमी है, संप्रदाय के मूल में आदमी है, पुस्तकों के मूल में आदमी है। आदमी ही पुस्तक बनाता है, आकाश में कहीं प्रेत नहीं है कि वहां से पुस्तक छप करके गिरती हो। यह केवल अंधविश्वास है और कुछ नहीं। पुस्तकों के मूल में आदमी है, संप्रदाय के मूल में आदमी है, मंदिर मस्जिद के मूल में आदमी है, मंत्रों के मूल में आदमी है। अगर आदमी नहीं होता तो कोई मंत्र ही नहीं बनता। इसलिए आदमी के साथ सुंदर व्यवहार होना चाहिए, किंतु सांप्रदायिक जगत में इतनी कटुता है, इतना विषाक्त है कि एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों का अनादर करता है, न पुस्तकें पढ़ता है, न उनका सम्मान कर पाता है। इसलिए केवल माइंड अपसेट है। अगर माइंड सेट हो जाए तो ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर रहे जैसे एक बगीचा होता है, विभिन्न रंग के पुष्प होते हैं और बहुत सुंदर मालूम होता है पुष्पोद्यान। इसी प्रकार से ये संसार बहुत सुंदर मालूम हो। आज आवश्यकता है हमें उदार विचारों की। संत सम्राट श्री कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल था। उन्होंने कहा, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सिंदूर का सिंधौरा झपने की झपने। ये नहीं कहा उन्होंने केवल मेरी बात सुनो, सुनिए सबकी। कितना हृदय विशाल है। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय है। श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा है तो आप यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, अब बुद्धि है तो जो कहा जा रहा है उसे अब समझ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय है। इसलिए हम बड़े श्रद्धा भाव के साथ संत सम्राट श्री कबीर साहब के बीजक के अध्ययन की जरूरत है, उस पर चिंतन मनन की जरूरत है। जो विचारों में कटुता है वह अनेक समस्याओं को जन्म देती है, चाहे गृहस्थी आश्रम में हो चाहे विरक्त आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में भी जब विचारों की कटुता हो जाती है तो सास बहु से बोलचाल बंद हो जाता है। ननद भौजाई में भी तालमेल नहीं बैठता, पिता पुत्र में भी नहीं तालमेल बैठता। विचारों की खराबी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में बैठे सुने। यह आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। किस प्रकार से त्रिवेणी संगम में पारक कबीर पारक संस्थान की ओर से विशाल योजना है और उसके तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। खूब श्रद्धा से सुने और अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और जो सत्य जचे उसे कल पर ना छोड़े, उसे आज अपने जीवन में प्रयोग करें, जिससे हमारा जीवन सुंदर बने। आज आदमी जीवन को छोड़ करके सब चीजों को सुंदर बनाने में लगा है। मकान सुंदर बना रहा है, कपड़े सुंदर बना रहा है, जीवन उपयोगी चीजों को सुंदर बना रहा है, केवल खुद को छोड़कर। चीजों के साथ साथ अगर हमारा जीवन भी सुंदर हो जाए तो हम जहां रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम। वीतराग तपोनिष्ठ श्रद्धे त्रिता है जी, ज्ञान वैराग संपन्न श्रद्धे त्रि ज्ञान दहेव जी, मुद मंगल में सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सब जानते हैं कि आज मौनी अमावस्या है और इस संबंध में श्री गुरु गोतम साहब जैसे कुछ सुन भी रहे थे या बहुत कुछ सुंदर विचार अपने विचारों के दौरान अंत में उन्होंने सदगुरु कबीर की एक पंक्ति उद्धृत की थी, नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांत। थोड़ी सी हम इस पर चर्चा करें। बाह्य जगत में अमावस्या महीने में एक बार आती है और साल में 12 बार। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं।
महीने के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या, और महीने में एक दिन। सदगुरु कबीर कहते हैं नित अमावस। जो ज्ञानी पुरुष है उसके जीवन में नित्य अमावस्या है, रोज, और रोज नहीं हर समय अमावस्या, अमावस। अमा सात, वस रहना, बसना। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं, साथ साथ उगते हैं, साथ साथ रहते हैं। क्या दोनों को उसी समय सूर्योदय होता है, उसी समय चंद्रोदय होता है। यद्यपि दोनों में करोड़ों किलोमीटर का अंतर है भौगोलिक दृष्टि से देखें तो, लेकिन दोनों का उदय एक साथ होता है। तो मानो सूर्य और चंद्रमा साथ साथ निवास कर रहे हैं। अमावस्या को एक पर्व माना गया है और अथर्व वेद में अमावस्या की बड़ी प्रशंसा की गई है। और प्रशंसा करते करते अथर्व वेद के ऋषि यहां तक कह देते हैं कि हे अमावस्या, तूने ही ये भूत भौतिक जगत को पैदा किया है, तेरे अलावा संसार को उत्पन्न करने शक्ति किसी में नहीं है। अमावस्या तो एक तिथि है, लेकिन कवि भावुक होते हैं और जिसकी महिमा करते हैं उसी की महिमा में डट पड़ते हैं। अब अमावस्या तिथि है, ये दुनिया को पैदा क्या करेगी, लेकिन ऋषि कहते हैं तेरे अतिरिक्त किसी में ताकत ही नहीं दुनिया पैदा कर सके। भावुकता है अमावस्या, अमावस साथ साथ रहना, सूर्य और चंद्रमा का साथ साथ रहना। आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से हम इसको समझें। सूर्य बहुत विशाल और उसके सामने चंद्रमा बहुत छोटा। सूर्य स्वतः प्रकाशित, चंद्रमा पर प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य दहकती आग का पिंड, एकदम गर्म आग का गोला, और चंद्रमा शीतल। इसी प्रकार जो व्यक्ति गर्म स्वभाव के लोगों को, कोमल स्वभाव के लोगों को, नरम स्वभाव के लोगों को, छोटे को बड़े को, विद्वान को सामान्य जनता को साथ लेकर के चल सकता हो, सब में समन्वय स्थापित कर सकता हो और सबसे यथायोग्य काम ले सकता हो, वही किसी दिशा में उन्नति कर सकता है और उसका जीवन अमावस्या का जीवन है। वो सबको समेट लेता है। जैसे आज अमावस्या है तो सूर्य गर्म और चंद्रमा शीतल साथ साथ है। ऐसे ही आप देखें कि जहां हम रहते हैं, आप रहते हैं घर में, कोई गर्म स्वभाव का और कोई कोमल स्वभाव का, किसी में बड़ी योग्यता, किसी में कम योग्यता, कोई बहुत ज्ञानी, कोई बहुत मन बुद्धि का। घर के या समाज के अगुवा का कर्तव्य होता है कि सभी योग्यता वालों को साथ लेकर के
चले आगे बढ़े, किसी का तिरस्कार न करे, किसी का अवहेलना न करे, तो वह स्वयं सुखी रहेगा, बिहारी क्षेत्र में उन्नति करेगा, उसके द्वारा दूसरों की सेवा होगी और उसका जीवन ही अमावस्या जीवन पर्व का जीवन हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें सूर्य प्रकाश स्वरूप, और सूर्य आंख का देवता माना जाता है, आंख से देख करके ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं उसको कहते हैं, आंख से जो हम देखते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ज्ञान की सिद्धि के लिए, तत्व की सिद्धि के लिए 8 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष शब्द अनुमान, उपमान अर्थापत्ति, एति संभोग और अनुपलब्धि। इन सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वोपरि प्रमाण है, अन्य सारे प्रमाण प्रत्यक्ष पर आधारित है। तो आंख से हम दुनिया की वस्तुओं को देखते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, और सूर्य आंख का देवता, ज्ञान का प्रतीक, मन चंद्रमा का देवता। आध्यात्मिक क्षेत्र में चंद्रमा का अर्थ अक्सर मन लगाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा देवता मन का देवता चंद्रमा है, तो सूर्य है ज्ञान का प्रतीक और चंद्रमा है मन का प्रतीक। ज्ञानी पुरुष का मन हर समय ज्ञान में ही लीन रहता है, इसलिए उसके जीवन में रोज अमावस्या है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, अपने को हम ऐसा तपाएं, ऐसा साधें, मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि मन हर समय ज्ञान में ही रमता रहे, ज्ञान में लीन रहे, तो हमारे जीवन में रोज रोज नहीं हर समय अमावस्या है। जैसे जब सूर्य नहीं रहता तो अंधकार होता है, अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता कि कौन चीज कहाँ रखी, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ कांटा है, कहाँ कंकड़ है, कहाँ पर क्या चीज रखी हुई है। लेकिन जब सूर्योदय होता है, प्रकाश फैलता है, तो सारी चीजें यथावत दिखाई पड़ती हैं और हम दुनिया का व्यवहार करते हैं। ऐसे ही अज्ञान की दशा में कुछ पता नहीं चलता क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या हानि है, क्या लाभ है, और हम भटक जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं, ठोकरें खाते हैं, पछताते हैं। मन को इस अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश में, सूर्य में लीन कर दें, सब समय मन को ज्ञान में रखें, तो जीवन में हर समय अमावस्या है और इसी में ही जीवन का कल्याण है। ज्ञान को छोड़कर तो भटकाव है, ज्ञान को छोड़ दें तो कल्याण का रास्ता क्या है? रिते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं है, किसी को छुटकारा नहीं है। गीता में यहां तक कहा गया है, नहि ज्ञाने सदृशं पवित्र मिह विद्यते। दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, सबसे पवित्र है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में यथार्थ बोध होता है। तो मन को
अज्ञान से हटाकर ज्ञान में लगाएं, मन मन ज्ञान में लीन हो जाए तो हर समय अमावस्या, जीवन पर्व बन जाएगा, जीवन ही त्योहार बन जाएगा। और सचमुच में जो ज्ञानी हैं, सिद्ध साधक हैं, उनका जीवन पर्व और त्योहार बन जाता है, और उनके नाम पर ही लोग पर्व मनाना शुरू कर देते हैं। नित संक्रांत साहब कहते हैं, जीवन को ऐसा बनाए या ज्ञानी जीवन ऐसा होता है, उसमें नित्य संक्रांति रहती है। संक्रांति एक जगह से दूसरी जगह में गमन करना, 12 राशियां मानी गई हैं। सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, एक महीने के पश्चात दूसरी राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे कहते हैं मकर संक्रांति, और यह बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा पर्व है। संक्रांति का अर्थ ही होता है एक जगह से दूसरी जगह में प्रवेश करना, जाना। लेकिन भौतिक जगत में रोज संक्रांति नहीं हो सकती, हर क्षण की तो बात दूर, रोज भी नहीं हो सकती। महीने में संक्रांति, एक महीने में केवल एक संक्रांति होती है, और यहां साहब कहते नित्य संक्रांति, नित्य संक्रांति है। वो क्या है? हमारे साथ हमारा जीवन है, जीवन है तो व्यवहार है, व्यवहार संसार से लेना होता है। देखें, हर व्यक्ति अपने मन को देखकर समझ सकता है कि मन की क्या दशा है। हर समय मन दुनिया में रमा रहता है, दुनिया का चिंतन करता रहता है, उसी में आनंद मानता है। साधक कौन है? जो अपने मन को दुनिया से लौटा करके अपने आत्मा में लीन करता रहता है। जीवन रहते तक व्यवहार है, और व्यवहार प्रत्यक्ष दुनिया से होता है, सोचे बिना तो व्यवहार होगा नहीं। करना इतना है, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करना है, मनुष्यों से व्यवहार करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मन उनमें रमने ना पाए, वहां टिकने ना पाए। उधर से मन को लौटा लौटा कर आत्मा में स्थित करते रहें, अपनी तरफ लौटाते रहें मन को, तो जीवन में हर समय संक्रांति है। जितना हम दुनिया का ख्याल रखेंगे, जितना हमारा मन दुनिया में डूबा रहेगा, उतनी पीड़ा मिलेगी, उतना हम अपने आप से दूर हटते चले जाएंगे। और जब तक जीवन तब तक दुनिया है, तो दुनिया का काम करें, दुनिया की सेवा करें, मन को दुनिया में रमा करके न रखें। काम कर लिए, लौटा लें मन को अपनी तरफ, आत्मस्थित कर दें, तो रोज रोज संक्रांत, रोज रोज पर्व, रोज रोज आनंद उल्लास। और नित नित नवग्रह बैठे पांत, नित रोज रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। आकाश में नवग्रह माने गए हैं, और आकाश के ये नौ ग्रह कभी भी एक पंक्ति में एक सिधाई में नहीं आ सकते, एक जगह नहीं रह सकते। क्यों? इनकी गति में अंतर है। कभी ऐसा हो, प्राकृतिक नियमों में फेरफार हो, धरतत्वों की गति में फेरफार हो, तो हो सकता है कभी नमोग्रह एक पंक्ति में आ जाए, लेकिन है बहुत कठिन।
और यहां सदगुरु कहते हैं कि नित नित नौ ग्रह बैठे पात, रोज रोज नवो ग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। ये ग्रह कौन है जो एक पंक्ति में बैठते हैं? मन, चित, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, चतुष्टय अंतःकरण और पांच ज्ञानेन्द्रियां, यही है नौ ग्रह। इन्हें ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पकड़ लेते हैं। आंख से देखे सुंदर रूप दिखाई पड़ा, मोह गए तो हम पकड़ लिए गए। कान में सुरीले शब्द आए, उसी में अब मन उसी को गुनगुना रहा है, बस पकड़ लिए गए। भोजन करने बैठे, स्वादिष्ट व्यंजन आ गया, खूब खा लिए पेट भर, अब मन सोच रहा है वहां गए थे ऐसा हलवा मिला था, पकड़ लिए गए हम। तो ये इंद्रियों को, अंतःकरण को ग्रह इसलिए कहा गया है कि हमें पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। क्यों? सुख मान करके हम इनमें आसक्ति बना लेते हैं। आसक्ति बनाए तो बंध गए। साहब कहते हैं ऐसा करो कि मन, चित, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इन नौ ग्रहों को एक पंक्ति तथा संयम की पंक्ति निकल में ले आओ। ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष के जीवन में ये नौ ग्रह, चतुर्थ अंतःकरण और पांच ज्ञानेन्द्रियां संयम की पंक्ति में बैठ जाते हैं। सब पर संयम रखें, मन पर संयम। मन पर संयम क्या है? गलत बात न सोचना। चित पर संयम, गलत बात के अनुसंधान न करना। बुद्धि पर संयम क्या है? गलत निर्णय न लेना। अहंकार पर संयम, गलत करतूती न करना। आंख पर संयम है, गलत दृश्य, ऐसे दृश्य जिन्हें देखने से मन विकारी और चंचल हो उन्हें न देखना। ऐसे शब्द जिन्हें सुनने से विकार बढ़े, वासना बढ़े, चंचलता बढ़े, उन्हें न सुनना। अधिक गंध, अधिक दुर्गंध, अधिक सुगंध, इनसे बचना। स्वाद के चक्कर में ज्यादा न खाना, गलत चीज न खाना, गलत चीज न खाना, ये जीव पर संयम। और किसी स्पर्श की आसक्ति में, कठिन कोमल स्पर्श की आसक्ति में न बंधना, ये त्वचा पर संयम है। जब तक जीवन है तब तक मन, चित, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इन नवों से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ज्ञान हो गया तो आंख, नाक, कान पर आप प्लस्तर कर दें, अब इनसे काम लेना ही नहीं, पट्टी बांध दे, ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत इनसे काम लेना है, और काम लेना है तो जीवन पर्यंत व्यवहार है। अब थोड़ी सावधानी हुई कि बस भूलने भटकने का अवसर आ गया, इसलिए निरंतर निगरानी रखें इन पर। सब पर संयम, खाएं संयम पूर्वक, केवल शरीर निर्वाह के लिए मजबूरी है। स्वाद मानकर न खाएं, देखें व्यवहार के लिए, विकारी दृष्टि से, आसक्तिपूर्ण दृष्टि से, लुलुप दृष्टि से न देखें। सुने व्यवहार के लिए, शब्द सुने, ज्ञान के शब्द सुने, निर्णय के शब्द सुने, लेकिन अश्लील शब्दों को, निंदा के शब्दों को, ईर्ष्या के शब्दों को, विरोध के शब्दों को न सुने। सुनाना तो पड़ेगा ही, बिना सुने काम तो चलेगा नहीं, लेकिन क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये तो सोचना पड़ेगा ना। क्या देखना है क्या नहीं देखना ये तो सोचना पड़ेगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना है सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत ज्ञान और बराक की बात कहते हैं और खाने बैठते हैं तब संयम नहीं कर पाते। घर द्वार का छोड़, घर द्वार को छोड़ देना सरल, पत्नी बच्चों को छोड़ देना सरल, और खाने बैठे संतुलित खाना ही बड़ा कठिन, क्योंकि रोज खाना है, रोज खाना है।
और खाने बैठे, बस स्वादिष्ट मिठाई आई, चटनी आई, दही आया, घी आया, चलो पता नहीं फिर कल मिलेगा नहीं मिलेगा, और खा लिए। विश्वास नहीं है कि इतने दिन से हम खाते आए हैं, आगे भी खाने को मिलेगा। और महात्मा लोग क्या कहते हैं, अरे अब हम साधु हो गए हैं। और साधु क्यों हुए हैं, मुक्त होने के लिए। अब मुक्त हो गए तो वहां खाने को मिलेगा नहीं, इसलिए जीवन जितना खाना उतना खा लो, मुक्ति में खाने को मिलेगा नहीं ना। और यहां तक कहते हैं खाते खाते छूटे शरीर, मिल गए साहेब सत्य कबीर। तो ये दुर्दशा है। तो खाने खाएं केवल शरीर गुजर के लिए। शरीर में रोग लगता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां लिख देता है, दवाई सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, कड़वी भी होती है, खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है, लेकिन सस्ती दवा हम ज्यादा नहीं खाते हैं, महंगी दवा को कम नहीं खाते हैं। मीठी दवा है, डॉक्टर ने कहा है कि एक गोली लेना, हम कहते हैं ये दवा मीठी है, चल पांच गोली ले लें। कड़वी दवा है, डॉक्टर ने कहा एक गोली लेना है, तो कड़वी दवा है आधी गोली ले लेंगे, तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी। डॉक्टर ने जितना कहा है उतना खाते हैं, कड़वी दवा के प्रति घृणा नहीं होती, मीठी दवा के प्रति आसक्ति नहीं होती। ठीक ऐसे समझ लें, भोजन भूख रूपी रोग को दूर करने की दवा है। मिठाई आई सामने, संतुलित मात्रा में खा लें, बस लोभ में ना पड़े। और एक चीज और ख्याल रखें, जो भोजन सामने आ जाए उसकी निंदा ना करें। शरीर की प्रकृति के अनुकूल देख लें, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उसको खाने से शरीर में रोग हो जाएगा या कुछ ऐसे हो जाएगा, तो उस भोजन को छोड़ दें। लेकिन जो भोजन सामने आ जाए उसकी निंदा न करें। ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक, लेकिन उसमें भी कहा गया है भोजन करने बैठो और जो भोजन आ जाए उसकी निंदा न करो, जितना आवश्यक हो उतना खा लो। खाने बैठे पत्नी पर बर्फ पड़े, तुम्हें सब्जी बनाने नहीं आता, भात बनाने नहीं आता, क्या नमक डाले हो, क्या ही करे हो, तो हो गया काम। प्रेम से खाओ। भोजन करते समय यदि आपके मन में प्रेम है, प्रसन्नता है, उस साम आध्यात्मिक जीवन में को संवार करके इसी जीवन में मुक्ति की ओर अग्रसर होकर हो जाए, ताकि हमारा सब दुख समाप्त हो जाए। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।